और इन एसोसिएशन विद या फिर किसके एसोसिएशन में ईस्ट के एसोसिएशन में और इन एसोसिएशन विद ईस्ट इज नोन टू बी इन्वॉल्व फॉर डोसा फॉर्मेंटेशन तो या तो बैक्टीरिया को अकेले को या फिर ईस्ट के साथ इसके एसोसिएशन को यूज किया जाता है डोसा के फॉमेंटेशन के लिए बात करें इडली और डोसा की तो द इडली एंड डोसा आर वाइडली फूड क्या है ये वाइडली फूड विच इन जो कि कहाँ पर ऑरिजिनेट हुए हैं इन साउथ इंडिया एंड हैव स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड अब दो बैक्टीरिया लेते हैं जिनका यूज किया जाता है नंबर फर्स्ट लुकोनोस्टॉक और सेकेंड बैक्टीरिया हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रिप्टोकॉकस तो लूकोनोस्टोक और स्ट्रिप्टोकॉक ऑफ बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया हैं आर फॉर केफ ऑफ इटली एंड डोसा क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर